हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, मेरी तरह बिल्कुल आलस ना करें। जो भी आप अपनी अच्छी आदत बनाए हैं, आप उन आदतों को बनाए रखें। जैसे कि मेरी हर साल ठंड के महीने में आदत छूट जाती है। ये मतलब पिछले साल जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी ना, तब भी आदत छूट गई है। नवंबर से हम टहलने बिल्कुल गए नहीं थे पिछले साल। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरा होली बाद सेवाग पे जा रहे हैं। और आजकल मेरी आदत छूटी थी। हमने शायद इस बार ठंड में शायद जनवरी भर टहलने नहीं गए थे, और फरवरी पूरा मतलब बीतने वाला है, ख़त्म हो चुका है, मार्च शुरू है, अब वाक पे जा रहे हैं। हालांकि जो है जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडी थी, दिसंबर में भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, फरवरी से ठंड कम हो गई है, लेकिन इस बार फरवरी में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी। अभी सुबह के टाइम हल्का हल्का सहलावन सा लगता है, तो हमने शॉल बाहर रखा था तो ओढ़ लिया है कि चलो भाई शॉल ओढ़ लेते हैं। और अभी आदत हो चुकी है ना शॉल ओढ़ के बाहर जाने की, तो ये भी होता है कि चलो कहीं बाहर चले तो शॉल ओढ़ ले। और पूरी ठंड हमने एक साल में ही निकाल दिया, क्योंकि शॉल हम बहुत कम ही ओढ़ते हैं, स्वेटर ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। शॉल ओढ़ के कोई काम होता नहीं है, साल बस उतनी देर ओढ़ा जाता है जितनी देर हम बाहर कहीं रहते हैं। बाकी घर आओ तो तुरंत साल रखो, फिर काम में जुट जाओ। तो काम करते समय मुझे साल ओढ़ के काम नहीं होता है, इसलिए मैंने इस बार ठंडी में एक ही साल निकाली थी और पूरी ठंडी बीत गई। शायद पूरी साल ठंडी में शायद 2 बार 3 बार साल धुली होगी, और धुलते भी कम है। जब ओढ़ा नहीं जाता है तो फिर धुला भी कम जाता है। वाक करके मतलब लौट आना है, सबकी छुट्टी थी तो देर से ही वाक पे गए थे, 6 बजे। अभी 6:40 हो रहे होंगे लगभग लगभग। घर आके सबसे पहले गर्म पानी किया था, क्योंकि सभी लोग तो अभी सो रहे हैं, तो हमने सोचा सबसे पहले पानी पानी गर्म कर देते हैं, चाय चढ़ा देते हैं। चाय बन जाती है तो फिर बच्चों को बुलाते हैं। छुट्टी के दिन ज़्यादा परेशान नहीं करते कि बच्चों उठो, क्योंकि स्कूल के दिन में तो अपने आप ये लोग टाइम से उठ ही जाते हैं। और आंखें देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब कितना ज़्यादा आजकल आलस हो रहा है, सो रहे हैं, खूब खूब अपना खा भी रहे हैं, जो भी मन मर्जी हो रहा है, मतलब जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो खाने का मन होता है तो खा लेते हैं। ये नहीं कि अब डाइट कर रहे हैं, बहुत दिनों से डाइट हो रही है, लगभग लगभग 1 साल को पूरा हो गया, जनवरी जनवरी, हाँ 1 साल को डाइट को पूरा हो गया। काफ़ी ज़्यादा वज़न भी हमने कम किया था, 30 kg वज़न हमने कम किया था। इस समय पे हमारा 70 kg है, तो यानी 25 kg वज़न कम हुआ है, मतलब 25, हाँ मतलब 95 से 65, 65 से फिर 70, बढ़ता घटता रहता है, लेकिन हाँ इस टाइम पे 70 हैं। हमने वजन भी किया था कई बार, आप लोगों के साथ शायद शेयर नहीं किए थे, 70 kg वजन है। तो बस चाय बना दी है सबके लिए, चाय, बिस्किट, ये थोड़ा सा नमकीन भुजा वाली थी इसको निकाल के रख दिया है, और सब लोग चाय वाय पियेंगे। आज छुट्टी है तो फिर टिफिन उफिन बनाने की झंझट है नहीं, तो हमने सोचा सबसे पहले घर की साफ़ सफाई कर देते हैं, झाड़ू कर देते हैं, पोछा नहीं लगाना। अभी एक दिन पहले पोछा मारा था, तो पोछा का काम हफ्ते में एक दिन हो जाए या फिर 2 दिन हो जाए वही बहुत है। अभी बच्चे सो के उठे हैं, अपना चाय वाय पियेंगे, बिस्तरा भी फोल्ड करना है, पूरा भी फैला है, मच्छरदानी। अच्छा, गोरखपुर में मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, बड़े बड़े मच्छर ऐसे लगते हैं ना कि क्या ही बताएं। तो अभी बच्चे लोग उठे हैं तो हमने सोचा सबसे पहले झाड़ू का काम निपटा देते हैं, फिर बिस्तरा फोल्ड करेंगे। कभी कभी पहले भी हो जाता है, जब बच्चे सबसे पहले उठ जाते हैं ना, जैसे स्कूल होता है तो जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर मच्छरदानी फोल्ड करके पहले बिस्तरा फोल्ड करके रख देते हैं, फिर झाड़ू बाद में लगती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन जब बच्चे देर तक सोते हैं तो ये होता है भाई चलो झाड़ू ही लगा लिया जाता है, कि झाड़ू का काम पहले हो जाए, बच्चे जब उठेंगे तो बिस्तरा फोल्ड होगा। स्नान ध्यान पूजा पाठ घर की साफ सफाई सारे काम हो चुके हैं, बस रह गया है तो दोपहर की कुकिंग की तैयारी और नाश्ता करना है। नाश्ते में सोच रहे थे क्या बनाएं क्या खाएं, स्प्राउट था नहीं, फ्रूट कोई था नहीं, सिर्फ फ्रूट में अनार बचा था, और आज हमने चाय भी पी ली है, तो मेरा ज्यादा नाश्ता करने का मन नहीं था। सुबह सबके साथ ना चाय आज पी ली थी, तो फिर मेरा नाश्ता करने का मन नहीं है, लेकिन हाँ स्किप नहीं करेंगे नाश्ता, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे। तो अनार रखा है थोड़ा सा, वही छीलेंगे वही खाएंगे। अभी सुबह के सिर्फ 8:30 बज रहे हैं, सबसे पहले जाएंगे एक लोटा जल छोड़ने आज पीपल के पेड़ में,
और उसके बाद दोपहर की लंच की तैयारी करेंगे। दोपहर के लंच में क्या बनाए समझ नहीं आ रहा था। गोभी रखा हुआ है काफी दिनों से, वो काला काला बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल काला काला हो गया है गोभी, कई दिनों से रखा है। तो सोच रहे थे उसके पराठे बना देते हैं। एक बार मन बनाया, फिर सबकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, हस्बैंड के मुंह में छाले पड़े हैं, तो बोल रहे थे पराठे गरम गरम और चटनी मैं नहीं खा पाऊंगा, कुछ नरम मुलायम बनाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर गोभी रखी थी, वो बिल्कुल काली होती जा रही है, और गौरी को भी खांसी आ रहा है, उसका भी खाने वाने का मन नहीं है। गोलू को भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार सबको है, सिर्फ मुझे छोड़ के बाकी सब लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। हस्बैंड के मुंह में बहुत सारे छाले पड़े हुए हैं पता नहीं क्यों। तो इसकी वजह से मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं था अभी। मैंने सोचा था गोभी बनाऊंगी, चाहे गोभी के पराठे बने, चाहे गोभी की मसालेदार ग्रेवी वाली सब्जी बने, चाहे उसकी सूखी सब्जी बने। तो फिर बाद में ही मन में आया कि जब सब लोगों की तबीयत खराब है तो मैं क्या बनाऊं, पराठे वराठे बनाने का फिर मन नहीं होता। और नाश्ते में एक हम अनार छीला था हमने, इसमें से आधा बच्चों को दे दिया है। गौरी को आजकल बुखार है ना, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ अनार वनार फ्रूट वूट कुछ नहीं, उसको बस चटपटा खाने का मन हो रहा है। तो आधा अनार गोडू को दे दिया, हस्बैंड भी नहीं खाएंगे ज़्यादा फ्रूट वूट, किसी का खाने का मन नहीं होता, हम ही आजकल खाने लगे हैं। पहले हम भी नहीं खाते थे लेकिन अब मेरी आदत बदल चुकी है तो खाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर सब्जियों को धुल लेते हैं, आलू गोभी, आलू बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी, मतलब सब्जियाँ ख़त्म हो रखी थी, लेकिन लाएँ तो लाएँ बाज़ार से, कहा वही सारी सब्जियाँ मिलती हैं। और इस बार मेरे यहाँ ठंड के सीज़न में सब्जी की ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनी, क्योंकि किसी ने पसंद ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सब लोग भुजिया सब्जी पसंद करते हैं, ज़्यादा ग्रेवी वाली पानी वाली सब्जी नहीं पसंद करते हैं। और यहाँ भी सारी सब्जियों को धुल लिया है, धनिया टमाटर मिर्ची प्याज, और सलाद के लिए भी जो हमने खीरा वाला चुकंदर काटा था ना, साथ में ही कट करके छील के रख लेते हैं, बार बार छीलो धुलो तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए। और यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाला है, जीरा का तड़का लगाया, जीरा से अच्छे को क्रैकल होने देंगे, और उसके बाद प्याज हरी मिर्च लहसुन को तड़का लगा दिया है, मतलब प्याज अदरक सॉरी प्याज लहसुन हरी मिर्ची का तड़का लगा दिया है, इनको अच्छे से थोड़ा सा पिंक होने देंगे। वैसे तो प्याज की सॉरी आलू और गोभी की सब्जी में प्याज बहुत कम ही डालते हैं, लेकिन आज हमने सोचा चलो प्याज भी डाल देते हैं, शायद अच्छा लगेगा। और कोई भी सब्जी बनाओ आप तुरंत गरम गरम खाओ ना तो वो बढ़िया स्वादिष्ट होती है, लेकिन वही सब्जी अगर ठंडी हो जाए बाद में खाओ ना तो उसका स्वाद नहीं आता। और सब्जियों को खूब अच्छे से भूना है, मतलब एक देखिए आलू गोभी लाल लाल हो गई हैं, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, जो भी आपको मसाले पसंद है, हल्दी, सब्जी मसाला, किचन किंग और होममेड मसाला, नमक, सब कुछ ऐड करते हैं। साथ में एक टमाटर कट करके ऐड कर दिया है। कोई भी भुजिया सब्जी सूखी सब्जी आप बनाओ, पहले आप उसको तेल में ना खूब अच्छे से भूनो, मतलब आप 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट धीमी धीमी आँच पे उसको लाल लाल खूब अच्छे से भून लो। तुरंत ही सब्जी छौंकने के बाद उसमें कभी भी नमक मसाले नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि नमक ऐड करते ही नहीं सारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं और गल जाती हैं, तो फिर वो अच्छे से भून नहीं पाती हैं। तो बस इसमें टमाटर डाल दिया था, मसाले डाल लिए थे, सब्जी पक चुकी थी, ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल दी है, बढ़िया स्वादिष्ट गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी बनकर के तैयार है। फटाफट से हम रोटियां बना लेते हैं और सबको खाना दे देते हैं। आज हमने ना बस सब्जी रोटी बनाने की सोची थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा चावल भी बना लिया क्योंकि दाल बची हुई थी ना, तो फिर हमने सोचा चलो दाल भी इसी बहाने सब लोग खा लेंगे और सब्जी रोटी आ जाएगी आप सब लोग भी, और अपनी थाली लगाई है, 2 रोटी सूखी सब्जी थोड़ी सी धनिया की पत्ती आजकल खा रहे हैं, और सलाद में हमने लिया था चुकंदर खीरा गाजर। मेरे यहाँ सलाद भी बहुत कम ही सब लोग पसंद करते हैं, कोई नहीं पसंद करता, ना फ्रूट खाते हैं ना सलाद खाते हैं, और हाँ बच्चे तो दूध पीने के कह दो ना तो फिर ऐसे कहते हैं कि रात के टाइम दूध भी नहीं पीना पसंद करते हैं, पता नहीं बच्चे तो वही बिस्किट नमकीन जंक फूड और ब्रेड यही सब इन सबको पसंद होता है, और ख़ास करके मुझे भी ये सब पसंद होता था, लेकिन अब हमने आदत बदल ली है भैया, पहले तो हम भी यही खाते थे सब कुछ, मतलब जो अच्छी चीज़ें नहीं होती थी वही खाते थे, मतलब जैसे जंक फूड फास्ट फूड ये सारी चीज़ें। और बर्तन धुल दिया है, दोपहर के टाइम सबका खाना वाना हो चुका है, सब लोग घर पे रहते हैं तो ज़्यादा काम नहीं होता है, शाम के टाइम बस मार्केट निकल चुके हैं, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं होता मार्केट जाने के लिए, मुझे छोटा भी काम होता है तो फिर अगर मार्केट जाते हैं तो मैं भी साथ में चली जाती हूँ, इसी बहाने घूमना भी हो जाता है और मार्केट का माहौल देख के अच्छा लगता है, कोई थोड़ा बहुत चीज़ें ही खरीदनी होती हैं तो भी मैं मार्केट चली जाती हूँ, अपने मन की ही चीज़ें लेके आती हूँ, और
मार्केट घर से दूर नहीं होता, तो इसके लिए मुझे सजना संवरना तैयार नहीं होना होता है। मतलब जैसे रहती हैं मैं वैसे चली जाती हूँ, स्लीपर पहन के, घर के कपड़े पहन के जैसे रहती हूँ। बाजार जाने के लिए तो हम कभी तैयार होके जाते ही नहीं कि मुझे बाजार जाना है, देख सकते हैं मेरा लुक वैसे ही है सिंपल। हमने एक स्वेटर पहना डाला है, घर का जो ड्रेस पहना था वैसे ही चले गए थे, बस ऐसे ही घर पर रहते हैं ना। मुझे मार्केट जाने के लिए तैयार होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम मार्केट में ही रहते हैं, मार्केट हमारे घर में भी रहता है। मतलब इतना पास है गोलघर मार्केट, तो वहाँ जाने के लिए हम कभी तैयार ही नहीं होते। थोड़ा सा बहुत काम होता है ना, तो बस जैसे घर पे रहते हैं वैसे निकल जाते हैं। और ये है सत्संग चौराहा, हर चौराहे पे ये बना होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये गोल गोल सर्कल तिराहा वहाँ पे, मतलब कई जगह बना होता है। और आज का ब्लॉग इसी पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि। और मार्केट से क्या लाए हैं वो आपको बाद में दिखाएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।